ऑयल और गैस से मालामाल जिला सांगड़ और जिला मटियारी का अहम शदादपुर ता मुला मक्खन रोड गुज़िश्ता कई सालों से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। 12 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल रोड पर छोटे बड़े 100 से ज्यादा गाँव के रोड तबाह होने के सबब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि बेशतर मरीज और हामला खवातीन अस्पताल बर वक्त न पहुँचने के सबब जान से जा चुकी हैं। रोड न बनने के बाईस आबादगार मुख्तलिफ अकसाम के फल सब्जियां मार्केट तक रसाई के लिए भी मुश्किलात है। मुतासरा देहात की बड़ी तादाद ने टंडो आदम ब्रांच नहर पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि रोड न होने के सबब 100 से ज्यादा देहात के मकीन सख्त अजियत में मुब्तला हैं। मरीज अस्पताल तक पहुँचने से कबल ही जहाँ पाक हो जाते हैं, जबकि हम अपने मुख्तलिफ अकसाम के फल और सब्जियाँ भी मार्केट तक नहीं पहुँचा सकते। इस रोड को तकरीबन 20 साल हो गए, 22 ईयर्स जो गुजर गए इस रोड को, उसके बाद ये रोड कभी भी इन्होंने बनाया नहीं। उसके बाद हम जो हैं सदा ही हमसे इन्होंने वॉन्ट लिए हैं, सब कुछ किए हैं, मगर हमारा रोड इन्होंने नहीं बनाया। काफ़ी सारे डिलीवरी केसेस होते हैं, उसमें भी काफ़ी मुश्किल होती है, हॉस्पिटल बंदा नहीं पहुँचता है। काफ़ी खुदारा हमारा ये रोड बनना चाहिए। वापडा रोड शहदापुर से लेकर मुला मक्खन का ये रोड तबाह है। उसके बाद भी हमारे बाकी जो काम है वो बहुत सारे हैं। हमारे गांव में काफ़ी नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो भी ऐसे ही ऐसे बैठे हैं। तकरीबन मैं खुद BSc कर चुका हूँ, मुझे भी मतलब कोई मतलब हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जाते हैं भाई कोई जॉब वगैरह दो, नहीं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। शहदादपुर से लेके मुला मक्खन तक हमारा कम से कम 10 या 12 किलोमीटर तक फासला है। 2000 में जो हमारा ये रोड बना है उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे MNA जुनेजे भी हैं, तो थहीम साहब भी हैं, डेरे भी यहाँ पे लगते हैं। तो खुदा रहा हम इनसे यही अपील करते हैं कि भाई और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पहला जो हमारा मकसद है कि हमें रोड बना के दें, अगर बना के देंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो हम इससे ज़्यादा कदम उठाएंगे। हम कराची तक जाएंगे और जो है वज़ीर-ए-आला सिंध के सामने हम बैठ के एहतियात करेंगे। वो थाना है तो काफ़ी चांडिया डेहरी बिरादरी बिरोही सब वापडा रोड का मुला मखण तोणी रोड बंजर थी वो इन में असंख तमाम घणी तकलीफू आन जे ज़रात जो डिलीवरी केस बीमार मानू आ एमरजेंसी में जो अलान कर 15 मिनटन जो रस्तो आको तय थे तो कलाक में इतने अस तेलको टंडो आदम शहदापुर में गैस मालामाल हर शे आए पर ही रोड जहाँ 3 दफ़ा बुध तू टेंडर थी गया को भी कम न हलो आए। रोड की हालत अड़ी है वही गाड़ी तो कान थी हली सके, सिर्फ मोटरसाइकिल रक्षो चिमची ओए बेजारन को भी कें फसल गन्नू फुटी कमद सारी वह नी निकी सके। एतरी मजबूरी आ अंदाज का बार मजबूरी आ जे असा हद MP MNN उनके का यादगिरी कान्ने का असा गरीबन जो सिंध गवर्नमेंट से मुताबिक वो आए तो असा रोड ठहरा दिनों वे रोड ये वही तकलीफ आ जो 2010 में रोड इतना हलो आ टंडो आदम बंद हाला बंद ही रोड एक असो हलो उन वो गाड़ी आयो अस रोड भंजी टोड़े वो हलो उन असो हल्को जो बिन मान के हथ में आड़ो जुणेजा एकड़ो थईम असाजे ला हे सिंधु के सार न लधी आ जे अस ही मजबूर थी सिंध गवर्नमेंट का था घुरूँ तो असंके रोड ठा वे अस बंद टुटी वो बंद में का शे को अस बंद आ सो टुटल अस वही तकलीफ आ ज़रात आ न अस फसल कढ़ी था सकूँ न अस शहर अची था सकूँ या नंढड़ी गाड़ी आज साइकिल मोटर अस टिपाओ ऐसी थोड़ी अचू था जैसे अस रोड ठहरा दिन तो सुठो आ जे ना तो अस इन का वरी असी धरना भी हणंदासूं असां हर शइ कंदासूं प्रेस जे अॻियां बि अची धाईंदासूं। मुतासिरी ने एहतजाजी मुज़ाहरा करते हुए कहा कि ज़िला सांगड़ और मटियारी को मिलाने वाला वाहिद सड़क जो ज़िला सांगड़ से मटियारी और हैदराबाद ज़िले का तकरीबन 30 किलोमीटर तक सफ़र कम हो जाता है, जबकि आवाम का कीमती वक्त भी बचाया जा सकता है। मुतासिरी ने हुकूमत सिंध और बाला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं जबकि ज़िला सांगड़ के मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर वापस देहातों का रुख नहीं करते। कैमरा टीम के साथ अशफाक गोरी, वतन न्यूज़, टंडो आदम।